रो रहे हो यार, सिंपल स्कूल है तो। बाबू भैया बाय। अरे रो रहे हो यार, सिंपल स्कूल है तो करो यार। बाय रिद्धू भाई। ओले 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 आशी, गुड मॉर्निंग। आज देख रही हूँ भाई को, देख रही हूँ। गए क्या आशी? आशी आशी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं रिद्धू को रेडी करके रिद्धू को स्कूल भेज चुकी हूँ। और जैसे ही मैं अंदर आई तो मुझे पता चला कि आज इन लोग को जल्दी जाना है और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके नहाती या मैं कोई और काम करती। फिर क्या कर सकती थी, मैं घुस गई किचन में और उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे। तो मैंने इन लोग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, इन लोग का टिफ़िन भी रेडी करके दे दिया था। मतलब ये कि मैं नहा नहीं पाई थी तो बस मैंने खाना बना दिया था और उसके बाद फिर जब नहाई नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी क्लीनिंग कर ली जाए, तो मैं अपने काम पे लग चुकी थी। और उसके बाद मैंने बर्तन तन धो दिए थे और जितनी भी बॉटल्स थी फ्रिज में रखने वाली सब मैंने गर्म पानी से धो दी थी। और मैंने रिद्धू को डोसा बना के दिया था तो वो डोसा पैन भी मैंने आज गर्म पानी में अच्छे से धोया था। दो बार से नहीं धुल पा रही थी उसको अच्छे से, तो उसमें जो ग्रीस रह जाता है दो तीन बार से ज़्यादा ही रह गया था, तो वो सब बहुत ज़रूरी होता है क्लीन करना। तो बस उसके लिए मैंने उसको बॉयल कर दिया था, उसके सर्फ का वाटर डाल के तो अच्छे से बॉयल ऑयल कर दिया तो आराम से छूट जाता है। और फिर ये सारी बॉटल्स मैंने गर्म पानी में करके अच्छे से धो दी थी, थोड़ा सा रह जाता है, डेली मैं ऐसे ही धोती हूँ तो इसीलिए आज मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर आशी की भी मैंने बॉटल्स धो दी थी तो मेरा सब बर्तन वर्तन भी मैं धो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने एक जो बाहर का फ्रिज है उसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। इसमें सामान थोड़ा कम रखा जाता है तो मैंने सोचा इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, तो पूरा मैंने अच्छे से इसको साफ ऑफ कर दिया था। तो मेरा किचन का सारा काम हो चुका था और किचन भी क्लीन हो गया था, बर्तन धुल चुके थे, खाना बन चुका था, सब काम किचन का हो चुका था। और मैं अब आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सुबह एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी थी रितु के जाने से पहले ही, तो मुझे तो पता नहीं था कि मुझे किचन में जाना पड़ जाएगा, तो इसीलिए फिर मुझे अभी दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि साफ़ सफाई की थी तो वापस से पूरा घर गंदा हो गया था। तो फिर मैंने वापस से झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया और इधर मम्मी आ गई थी किचन में कान्हा जी के लिए भोग बनाने के लिए, क्योंकि आज तो मैंने बिना नहाए खाना बनाया था इसलिए उनको भोग नहीं लगा सकते थे। और किचन इसलिए मैं क्लीन कर चुकी थी कि मम्मी आए तो मम्मी बना ले, तो मम्मी आके कान्हा जी के लिए मम्मी ने हलवा बनाया था। ये निकल बना रहा है लड़के, हटो तुम्हें वीडियो में से। यहाँ पे रिद्धू के डैडू जो रिद्धू के लिए ट्रेन लेके आए थे दो दिन पहले, तो हम लोग बस उसी से खेल रहे थे और खेलते खेलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर शाम को रिद्धू को हल्की सी भूख लगी थी तो रिद्धू ने बोला मुझे कुछ खाना है। मैंने उसको पूछा क्या खाना है, तो एज यूजल से डिमांड उसकी मुझे कप केक खाना है, तो आज मैंने उसके लिए मग केक बनाया था। मैंने ये कप जो मग केक बनाया था ये मैंने सूजी का बनाया था, काफ़ी हेल्दी भी होता है और अच्छा बन गया था और रिद्धू को पसंद आया था। वैसे तो मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया था तो उसको पसंद आ गया था, बस यही मेरे लिए ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई और फिर हम लोगों ने चाय वाय पी, उसके बाद चाय पी के वापस मैं फिर किचन में आ गई थी। क्या बना रही है भाभी? मैं बना रही हूँ रवा उत्पम।
और आटे का उल्टा पल्टा, ये पापा को बहुत पसंद है। ये चीनी का है, ये नमक का है। आ रही हूँ मम्मी। अच्छा, मैं रायकी बना रही हूँ और ये बना भी नहीं उत्पम। इतना वैरायटी क्यों बना रही है? और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। वो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया, और ऑब्वियसली हम लोगों को खाना खाने का एकदम मन नहीं था, तो मम्मी को कुछ अलग खाना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग उत्पम बनाएंगे, पर उत्पम सब लोग को नहीं खाना है डिनर में, इसलिए बस मैंने तीनों लोग के लिए बनाया था, मम्मी गोलू और मैं, हमें तीनों लोग के लिए बना था। तो मैंने बनाया था उत्पम और साथ में बनाई थी मूंगफली की चटनी। और पापा को उल्टा पलटा बहुत पसंद है, काफ़ी टाइम से वो बोल रहे थे पर मैं हमेशा भूल जाती थी बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज उनके लिए भी मैं बना देती हूँ। तो मैंने उनके लिए दो जगह बैटर बनाया था बनाने के लिए, तो एक मैंने मीठा बनाया था और एक मैंने नमक का बनाया था। नमक वाले में सिर्फ नमक और सोडा पड़ा था, और जो मीठा वाला था उसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाला था और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला था, बस ऐसा ही था। तो एक पे मैं मीठा बना रही थी, एक पे नमक का बना रही थी। तो पापा का डिनर भी यही हो गया क्योंकि पापा खा लिए थे और उनका पेट एकदम इससे फुल हो गया था। वैसे ये 8:30 बज रहा था जब मैं बना रही थी, तो ये डिनर ही हो गया था सब लोग का। और हम लोग अपना खा चुके थे, खा पी के मैं वापस आई थी किचन में, और सोनू हिमांशु इन लोगों के लिए मैं बना रही थी खिचड़ी, मसाला खिचड़ी बना रही थी इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों भाई ये इनमें से कुछ भी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए इन दोनों के लिए ये बना रही थी। और रिद्धू सब कुछ खाया थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि वो तीनों में से जो मतलब ऐसा नहीं था कि उसको कुछ पसंद है। उत्पम मैंने उसको थोड़ा सा बनाया था प्लेन, तो थोड़ा सा उसने वो खाया और थोड़ा सा उसने ये भी खाया और खिचड़ी भी खाई थोड़ी सी। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।